इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहां पर आज ट्रेड फेयर का इनॉग्रेशन हुआ है। और इस वक्त हम मौजूद हैं भारत के शेयर बाजार सेबी पे, जहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीपीआई के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा जी। नरेंद्र वाधवा जी, स्वागत आपका मार्केट टाइम से। धन्यवाद मार्केट टाइम से। नरेंद्र वाधवा जी, जैसे ही आज हमने देखा कि आज NCDX के यहाँ पे मौजूद हैं बहुत सारे लोग हैं, MCX हैं, CPI भी है, जो सबको एकत्रित किए हुए हैं। वहीं आज हमने देखा है कि सेबी के चेयरमैन श्री अजय त्यागी जी भी यहाँ पे आए थे, जिन्होंने इनॉग्रेशन किया। आपको आपसे ये जानना चाहेंगे कि उनके द्वारा ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स दिए गए हैं सेबी द्वारा, जिससे कि मार्केट में ज़्यादा पकड़ बनाई जा सके, और साल अंत होने को भी है, और आने वाला साल कैसा रह सकता है। धन्यवाद मार्केट टाइम्स का। आज जैसे आपको पता है कि इनॉग्रेशन हुआ है IITF का और सेबी स्टॉल का, हम सारे पार्टिसिपेंट और एसोसिएशन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसका बेसिक पर्पस ये है इन्वेस्टर अवेयरनेस, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एजुकेट करना कि वो कैसे इस मार्केट का अच्छा यूज़ कर सकते हैं, अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं या हेजिंग कर सकते हैं। कमोडिटीज़ मार्केट जो हैं बेसिकली ये टूल्स हैं हेजिंग के, तो इसमें उन्होंने कहा कि भाई इसको पूरा अवेयरनेस दिया जाए वेरियस पार्टिसिपेंट्स को, हेजर्स हैं, आर्बिट्राजर्स हैं और FPOs हैं, और एग्रीकल्चरिस्ट जिसके लिए ये मार्केट्स बनी थी उनको सबको एजुकेट करने की ज़रूरत है। इसी कदम में CPI ने पार्टिसिपेट करा है सेबी के प्रोग्राम के अंदर, और हम आने वाले 14 दिनों के अंदर वेरियस पार्टिसिपेंट्स को, एग्रीकल्चरिस्ट को, FPOs को, हेजर्स को लेकर आएंगे यहाँ पर, और बताएंगे कि ये कमोडिटीज़ मार्केट को कैसे यूज़ किया जाए उनके अपने प्रोडक्शन में और आगे ट्रेड के अंदर। देखा है कि साल 2021 और 20 काफ़ी ज़्यादा उठापटक वाले रहे हैं पेंडेमिक के चलते। वो प्री पेंडेमिक में हमने देखा था कि कमोडिटी मार्केट काफ़ी अच्छी थी, वहीं इक्विटी मार्केट भी अच्छी थी, लेकिन पोस्ट पेंडेमिक की बात की जाए और ड्यूरिंग पेंडेमिक भी, तो जो इक्विटी मार्केट है वो कहीं गिरती हुई नज़र आई थी, लेकिन अब देख रहे हैं इक्विटी मार्केट कहीं ना कहीं कमोडिटी मार्केट से ज़्यादा उठती हुई नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है 2021 के अंत तक क्या इक्विटी मार्केट में एक बार फिर से नए हाइज देखने को मिलेंगे, और 2022 की शुरुआत इक्विटी मार्केट के लिए कैसी देखने को मिल सकती है। देखिए, ये डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं, जैसे इक्विटी एक एसेट क्लास है, वैसे कमोडिटीज़ भी एक एसेट क्लास है। इन्वेस्टर को पार्टिसिपेट करने की ऑप्शन मिल गई है, और CPI भी ये एडुकेट कर रहा है कि कोई भी एसेट क्लास में सारे, जैसे कहते हैं कि सारी आपकी सारे एग्स जो हैं एक ही बास्केट में नहीं डालने चाहिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट क्लासेस में रखनी चाहिए। कमोडिटी एक बहुत अच्छा एक एवेन्यू है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि कंपाउंडिंग करता है। जैसे हमने देखा गोल्ड के अंदर बहुत अच्छी कंपाउंडिंग होती है साल के साल, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाए तो ये एक विकल्प है इक्विटी मार्केट का। नरेंद्र जी, आपको क्या लगता है साल 2021 इक्विटी वर्सेस कमोडिटी किसकी जीत होगी? देखिए, ये जीत और हार नहीं है, ये जीत है इन्वेस्टर की, जिसको जो लॉन्ग टर्म सोचता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, उसी को इसका बेनिफिट मिलता है। तो हम भी यही कहेंगे, ये 21 में इक्विटी चला या 22 में, ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अगर सारी एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग मिलती है, अच्छी इन्वेस्टमेंट में आपकी ग्रोथ होती है। नहीं ना जी, आप खुद CPI के प्रेसिडेंट हैं और यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी हैं और कमोडिटी एक्सचेंजेस भी हैं, आपकी तरफ से इन्वेस्टर्स को क्या राय रहेगी, ऐसे कौन से टिप्स रहेंगे जिससे कि वो उनके इन्वेस्टमेंट में काम आ सकें? देखिए, मैं ये कहूँगा कि पहले एक डिफरेंशिएट करिए कि जैसे सेबी चेयरमैन ने भी बोला और आशीष जी ने भी बोला BSE में, आपको डिफरेंशिएट करना है ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। तो आपको ट्रेडिंग को कंफ्यूज़ नहीं करना इन्वेस्टमेंट से, ये एक बहुत बड़ा रूल है, उसको आपको फॉलो करना है। और काफ़ी रूल हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के, आप वो वेबसाइट्स पे जाते रहिए और समझते रहिए, बहुत स्कोप है इस मार्केट में और कंपाउंडिंग करने का और वेल्थ क्रिएट करने का। नरेंद्र जी, जैसे आपने अभी बताया कि आप अभी रिसेंट में, जैसे आज ट्रेड फेयर की स्टार्टिंग है, इनॉग्रेशन हुआ है यहाँ पे, तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी सेलेक्ट कर रखी होंगी कि इस डेट पर्टिकुलर डेट पर ये इवेंट होंगे, तो क्या आप वो डेट हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? हम 20, 21 और 26 हैं, ये कमोडिटी डेज हैं, इसमें हम पूरे पवेलियन में सेबी के कमोडिटी डे सेलिब्रेट करेंगे, और वेरियस डिग्नेटरीज आ रहे हैं, ED से भी आएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं हमारे मार्केट्स के, वो भी हमारे कमोडिटी डे वाले दिन आएँ। उस दिन हम FPOs को लाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, पार्टिसिपेंट हैं कमोडिटी मार्केट के FPOs, जो कि नए आए हैं, पार्टिसिपेंट हैं, तो अब हम उनको भी इंट्रोड्यूस करेंगे इस 26 तारीख को। नहीं जी, हमने अक्सर देखा है कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से ज़्यादातर जो 30+ के जो पर्सन्स रहते हैं वो ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो भी इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है,
आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? अच्छी बात यह है कि जो नया इन्वेस्टर मिलेनियल इन्वेस्टर आ रहा है वो पढ़ के आ रहा है। जो पहले होता था लोग पढ़ के नहीं आते थे, सिर्फ लोगों के टिप्स वगैरह से वो मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। अच्छी बात यह है कि जो नया इन्वेस्टर आ रहा है वो टैक्स सेवी है, वो पढ़ के आ रहा है। तो मेरा टिप यही है कि वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को, अगेन मैं बोलूँगा, डिफ्रेंशिएट करें, और इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे लॉन्ग टर्म जल्दी करेंगे तो उतना अच्छा होगा। ब्रॉडली पहले यही बोला गया था कि 100 में से अपनी एज घटाएं और उतना इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर लें, तो वही रूल को फॉलो करें। तो ये थे हमारे साथ CBI के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा जी। जैसे उन्होंने बताया कि पहले जो इन्वेस्टर्स आता था वो पढ़ लिख के नहीं आता था, लेकिन अब जो यंग जनरेशन भी आ रही है वो भी अब पढ़ लिख कर आ रही है, और जो वॉलेटिलिटी है मार्केट्स में अभी देखने को मिल रही है और जो रिसेंट हाईज हमने देखने को मिले वो आगे भी जारी रहेंगे। तो यानी कि जो ऑलमोस्ट ट्रेडिंग है वो ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी आने वाले साल के अंदर भी।